गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नई न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है। जैसा आप सभी को पता है कि TZT कमीशन, जिसका मामला पहले हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। उसके बाद काफ़ी सुनवाई हुई, डेट दी गई, अलग अलग डेट्स पे सुनवाई हुई। उसके बाद ये फैसला आया कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया। उसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम हो नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम की बहुत सारी डेट्स फिक्स हो चुकी थी। इसलिए नवंबर में इस एग्ज़ाम के होने की पूरी संभावना थी कि नवंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इसकी सुनवाई होगी। तो अभी हो सकता है कि ये जो TZT भर्ती है कमीशन की, या फिर ये जो भी एग्ज़ाम होने वाला है TZT कमीशन का, तो इस पे फिर से रोक लग सकती है या स्टे लग सकता है। कुछ श्योर नहीं है, 16 अक्टूबर को ही पता चलेगा। वैसे जो भी हाई कोर्ट का फैसला होता है वही मैक्सिमम टाइम सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता है। तो एक थोड़ी सी होप भी है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर दे, या फिर कुछ एग्ज़ाम के ऊपर इसका असर ना पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं कि 16 अक्टूबर को क्या फैसला आता है।